नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 अगस्त, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इस योजना के तहत मिलते हैं निशुल्क कृत्रिम अंग एवं उपकरण। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की तिथि में विस्तार। सूखे को लेकर 259 राजकीय नलकूपों को चालू करने की तैयारी। प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाति गणना का मामला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय डाक में 30,041 पदों पर निकली वैकेंसी। भारतीय डाक विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और अन्य डाक सर्किल में स्थित डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवक के लिए कुल 30,041 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ऐसे में जो उम्मीदवार डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे डाक विभाग के GDS एप्लीकेशन पोर्टल इंडिया पोस्ट GDSonline.cept.gov.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किया होना अनिवार्य है और साथ ही अपने सर्कल से संबंधित आधिकारिक भाषा में एक विषय के रूप में पढ़े हो। आवेदन करने से पहले आवेदक इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ ले। दशहरा, दिवाली और छठ को लेकर बिहार की ट्रेनों में अभी से वेटिंग। अक्टूबर से त्योहार की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में त्योहार और पर्व के अवसर पर सभी लोग अपने अपने घर आना चाहेंगे। इसको लेकर अभी से ही बिहार से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों के टिकट बुक होने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही बिहार आने वाले ट्रेनों में भी काफी लंबी वेटिंग लिस्ट देखी जा रही है। वहीं नवम्बर में बिहार से अन्य राज्यों में जाने वाले टिकट नहीं मिल रहे। मालूम हो कि दुर्गा पूजा की शुरुआत अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली है। ऐसे में आनंद विहार से भागलपुर आने वाले डाउन 1, 2, 3, 6, 8 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस के अलावा नई दिल्ली से भागलपुर होते हुए डिब्रूगढ़ जाने वाली ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से भागलपुर आने वाली LTT एक्सप्रेस, भागलपुर से जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, मुंबई जाने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुधीर कुमार चौधरी के बारे में। सुधीर कुमार चौधरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अर्ध ग्रामीण स्थान में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। वह 6 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट के प्रति जुनूनी और सचिन तेंदुलकर के प्रशंसक बन गए। इन्हें सुधीर कुमार गौतम भी कहा जाता है। ये भारतीय क्रिकेट टीम और सचिन तेंदुलकर के प्रशंसक हैं। 2007 के बाद से भारतीय टीम द्वारा खेले गए हर घरेलू मैच में भाग लेने के लिए उन्हें व्यापक रूप से पहचाना जाता है। सुधीर कुमार एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बियॉन्ड ऑल बाउंड्रीज की 3 प्रमुख भूमिकाओं में से एक है, जो भारतीय क्रिकेट की 3 अलग अलग हस्तियों की कहानियां बताती है और उन्हें खेल के एक सुपर प्रशंसक के रूप में दिखाया गया है। फिल्म निर्माता सुश्रुत जैन द्वारा निर्मित यह फिल्म सुधीर कुमार के निजी जीवन के बारे में विवरण दिखाती है। उन्होंने घोषणा की कि उनका जीवन भारतीय क्रिकेट मैच देखने के लिए समर्पित है और वह अपना जीवन जनता के समर्थन पर जीते हैं। 2011 ICC क्रिकेट विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को हराकर विश्व चैंपियन बना। उस दौरान सचिन तेंदुलकर ने उन्हें बुलाकर उनके हाथों में विश्व कप थमाया। उन्हें आमतौर पर स्टेडियम में अपने शरीर को भारत के राष्ट्रीय रंग में रंगे हुए और मैचों के लाइव टेलीकास्ट में राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए देखा जाता है। इस योजना के तहत मिलते हैं निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं उपकरण। वैसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40% या उससे अधिक हो तो उन्हें बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण छत्र योजना के तहत निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं उपकरण दिए जाते हैं, जिसमें नियमानुकूल कृत्रिम अंग एवं उपकरण यथा ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, कैलिपर्स, श्रवण यंत्र, ब्लाइंड स्टिक्स समेत कई उपकरण और कृत्रिम अंग शामिल हैं। ऐसे में वे दिव्यांग व्यक्ति जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वो सहायक निदेशक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1800-345-6262 पर भी कॉल कर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की तिथि में विस्तार।
राज्य की वैसी छात्राएं जो 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालय तकनीकी संस्थानों से स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण हो चुकी हैं, लेकिन किसी कारण से अगर वे मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब छात्राएं 15 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकती हैं। मालूम हो कि पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 अगस्त 2023 कर दिया गया है। आवेदन करने के लिए छात्राएं पोर्टल medhasoft.bih.nic.in की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2019-2020 के लिंक 1 और लिंक 2 पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9534547098 और 8986294256 तथा mkuysnata@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। के पाठक के औचक निरीक्षण से अरवल के स्कूलों में मचा हड़कंप। इन दिनों के पाठक के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी बीच बीते दिन के पाठक अरवल के स्कूलों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के 4 स्कूलों का निरीक्षण किया, जिनमें अरवल सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय सकरी चौकी, मध्य विद्यालय रसीदपुर, जीए हाई स्कूल अरवल और बालिका उच्च विद्यालय शामिल है। वहीं उनके आने की सूचना से ही शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया। बता दें कि स्कूल के निरीक्षण के दौरान के पाठक के द्वारा शिक्षकों को कई जरूरी निर्देश दिए गए। वहीं जांच के दौरान कई तरह की गलतियां पाए जाने पर उन्होंने शिक्षकों को जमकर फटकार भी लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो शिक्षक जांच में अनुपस्थित पाए जाएंगे तो उनका न सिर्फ वेतन काटा जाएगा बल्कि उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने साफ सफाई, मिड डे मील, पेयजल समेत सभी व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने का निर्देश दिया। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के तहत जमीन मालिकों को मिलेगी ये ऑनलाइन सुविधाएं। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के तहत जमीन मालिकों को कई ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिसमें सर्वेक्षण की प्रक्रिया में सभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्वघोषणा एवं वंशवाली ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा, खानापूरी पर्चा एवं LPM ऑनलाइन देखने की सुविधा, ऑनलाइन दावा आपत्ति दायर करने की सुविधा, दावा आपत्ति की पावती एवं सुनवाई की तिथि, SMS के माध्यम से प्रेषित मौजा के सभी दावा आपत्ति के विरुद्ध पारित आदेश देखने की सुविधा, प्रारूप प्रकाशित खतियान देखने की सुविधा, लगान दर तालिका देखने की सुविधा और अंतिम प्रकाशित खतियान देखने की सुविधा शामिल है। बता दें कि ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर नीचे बने टैब बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं को क्लिक कर पा सकते हैं। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे कसस जलप्रपात के बारे में। कसस जलप्रपात राजधानी पटना से 170 किलोमीटर दूर बिहार के रोहतास जिले के अमझौर पंचायत में स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती अविश्वसनीय है। तरह तरह के पेड़ पौधे, वनस्पति, पक्षियों की चिलचिलाहट, पहाड़ से गिरते पानी की ध्वनि इस जगह को मनोरम और मंत्रमुग्ध बनाते हैं। बारिश के मौसम में बिहार में 200 से ज्यादा जलप्रपात दिखाई देते हैं और कशिश उनमें से एक है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार इतिहासकार अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखित पुस्तक NA अकबरी में भी इस जगह का उल्लेख है। इस जगह जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 800 फीट है और इस स्थान की विशेषता है कि कोई भी तीन दिशाओं में पहाड़ से गिरने वाले चार धाराओं को देखा जा सकता है। इस स्थल की सुंदरता कल्पना से परे है और प्रतीत होता है कि प्रकृति परियों की कहानी को बयां करती है। फतुहाबाद समेत 13 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प, 6 को PM करेंगे शिलान्यास। पूर्व मध्य रेल के 57 स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प होने वाला है, जिनमें दानापुर मंडल के भी 13 स्टेशन शामिल हैं। बता दें कि 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के 508 स्टेशनों पर विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। हालांकि शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। ऐसे में PM मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर सभी स्टेशनों पर जी तोड़ तैयारी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमृत भारत योजना के तहत दानापुर मंडल के जिन 13 स्टेशनों का कायाकल्प होने वाला है उनमें आड़ा, बिहिया, रघुनाथपुर, डुमराव, दिलदार नगर, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, चमुई, तारीगना, मसौरी, जहानाबाद, बिहार शरीफ और राजगीर स्टेशन के नाम शामिल हैं। इन सभी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पटना पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद।
बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के लोहानीपुर इलाके से कर्मपुरा थाने की पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए दो चार चक्के वाहनों से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। हालांकि इस दौरान पुलिस की भनक मिलते ही शराब तस्कर फरार होने में सफल हो गए, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। बता दें कि पुलिस के द्वारा कुल 568 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है और इसके साथ ही दो वाहनों को भी जब्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाति गणना का मामला। बीते मंगलवार को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी का खंडपीठ के द्वारा जाति गणना के मामले पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जातिगत सर्वे और आर्थिक सर्वेक्षण पर लगाई रोक को हटाते हुए इस संबंध में सभी याचिका को निरस्त कर दिया गया है और बिहार सरकार को राहत देते हुए जातीय गणना जारी रखने का आदेश दिया गया। ऐसे में राज्य में एक बार फिर से जातीय गणना का कार्य शुरू हो चुका है। पटना हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ बीते दिन इसकी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। हालांकि नीतीश कुमार की ओर से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करवा दिया गया था और कहा गया था कि इस मामले में बिना सरकार के पक्ष जाने कोई भी आदेश न दिया जाए। बता दें कि बीते दिन जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है, वह वकील तान्याश्री के द्वारा आवेदक अखिलेश कुमार की ओर से लगाई गई है। बिहार को मिला सबसे बड़ा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम का उपहार। बीएसपी एचसीएल के द्वारा बीते दिन बीएसईबी कॉलोनी में राज्य का सबसे बड़ा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव आमिर सुभानी, आईएएस और देव आयुक्त विवेक कुमार सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने संयुक्त रूप से इस स्टेडियम का बिहार के खिलाड़ियों के लिए उद्घाटन किया। उन्होंने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह स्टेडियम पेशेवरों और शौकीनों के लिए अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करके हमारी एथलेटिक प्रतिभाओं को पनपने की अनुमति देगा। वहीं बीएसपी एचसीएल के चेयरमैन कम एमडी आईएएस संजीव के द्वारा कहा गया कि इस ग्राउंड पर बच्चे हर प्रकार के खेल को खेल सकते हैं। यह एक बड़ा लक्ष्य है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। यहाँ के जमीन को 5 महीनों में खिलाड़ियों के लिए तैयार किया गया है। आई समीर सुभानी के द्वारा कहा गया कि इस पहल से फुटबॉल के खिलाड़ियों को बढ़ावा और उत्साह मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुद देखकर आश्चर्य हो रहा है कि राज्य में इस तरह की पहल हो सकती है। सूखे को लेकर 259 राजकीय नलकूपों को चालू करने की तैयारी। लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा राज्य में सूखे और किसानों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए सूबे के 17 जिलों के 259 राजकीय नलकूपों को चालू किया जाएगा। बता दें कि इन 259 नलकूपों में से कुछ नलकूप ऐसे भी हैं जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत है। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि इस कार्य को करने के लिए सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। वहीं विभाग ने भी अपने सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को टास्क सौंप दिया गया है। बता दें कि जिन 17 जिलों के 259 नलकूपों को ठीक किया जाना है, उनमें बिहार की राजधानी पटना समेत अररिया, बक्सर, पूर्णिया, शिवहर, सुपौल, बेगूसराय, खगड़िया, किशनगंज, सहरसा, जहानाबाद, आरा, नालंदा, दरभंगा, मोतिहारी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी शामिल है। राजमार्गों के निकट सत्कार केंद्र शुरू करने के लिए मिलेगा प्रोत्साहन राशि। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों के निकट पर्यटकों के लिए सत्कार केंद्र शुरू करने के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें कि यह प्रोत्साहन राशि कुल लागत का 50% होगा। मालूम हो कि इस योजना का लाभ राज्य के नागरिकों को मुहैया कराया जाएगा। इस योजना को लेकर पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि राज्य के चिन्हित पर्यटन परिपथों पर पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निमित्त मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना की रूपरेखा पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की गई है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत 7 अगस्त को होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा आगे आएं और योजना के लिए तय मानकों का अध्ययन कर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाएं। इस योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक आवेदक www.tourism.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 10 सड़क परियोजनाओं के लिए बिहार को एडीबी से मिलेगा 5100 करोड़।
बिहार में 10 सड़क परियोजनाओं के निर्माण को लेकर एशियन विकास बैंक यानी कि ADB से 5100 करोड़ का कर्ज दिया जाने वाला है। बता दें कि इस संबंध में बिहार राज्य पथ विकास निगम के साथ हुई बैठक में ADB की ओर से सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। ऐसे में अब ADB से कर्ज लेने के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि उस बैठक में पथ विकास निगम के द्वारा ADB के शिष्टमंडल को बताया गया कि राज्य में 10 सड़क परियोजनाओं का कार्य जनहित के लिए किया जाना जरूरी है। ऐसे में इन 10 सड़क परियोजनाओं के कुल 482 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं के लिए 5153 करोड़ की आवश्यकता है। इसलिए अगर कर्ज के रूप में यह राशि मिल जाती है तो सड़क निर्माण में आसानी होगी और इसका लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा, जिसके बाद ADB के अधिकारियों के द्वारा इस पर सहमति जता दी गई। प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में अब प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से तापमान में कमी देखने को मिली है। इधर विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 4 अगस्त को लेकर जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। वहीं 5 जुलाई को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्तरी भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में बारिश को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि आने वाले दिनों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और किशनगंज में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। पूर्णिया की नैंसी राय निभाएंगी छोटे पर्दे पर बड़ी भूमिका। छोटे पर्दे पर धारावाहिक ये रिश्ता क्या कहलाता है में पूर्णिया की नैंसी राय के द्वारा निभाए गए किरदार को लोगों के द्वारा खूब पसंद किया गया था। अब यह मन सुंदर में एक सशक्त लड़की रूही की भूमिका निभाने वाली है। बता दें कि इस धारावाहिक में लड़की का रंग काला है लेकिन मन सुंदर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले नैंसी कंट्रोल रूम में भी नजर आ चुकी है। मालूम हो कि नैंसी राय फैशन और मॉडलिंग के रास्ते मुंबई पहुंची है। इन्होंने वर्ष 2021 में नई दिल्ली में आयोजित मिस्टर मिसेज एवं मिस इंडिया प्रतियोगिता में बॉलीवुड मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। नैंसी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहती हैं और यही उनका सपना है। वह भरतनाट्यम समेत कई नृत्य कला में दक्ष हैं। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा उन पर तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में तो चुनाव लड़ने के लायक तो है नहीं, इसलिए यूपी के फूलपुर भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको उत्तर प्रदेश में कौन जानता है और नीतीश कुमार वहां जाकर क्या बताएंगे। बिहार में तो बस चोरी, डकैती, बलात्कार सब बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधी का या तो जेल में रहना होता है या तो जमीन के नीचे। उस प्रदेश में जाकर वह क्या करेंगे, वह वहां जाकर क्या बोलेंगे कि मैं उस बिहार से आता हूं जहां बालू माफिया है, शराब माफिया है, गुंडागर्दी है, उस बिहार में मैं मुखिया हूं। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार में दम है तो वह बिहार के किसी सीट से चुनाव लड़कर दिखा दे, वह चाहे देश के किसी भी सीट से चुनाव लड़े, उनका जमानत जब्त होना तय है। मुकेश सहनी ने इंडिया NDA के सामने रखी बड़ी शर्त। इन दिनों विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए अपने संकल्प यात्रा पर हैं। इसी दौरान उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को इंडिया और NDA दोनों तरफ से कहीं न कहीं धोखा हुआ है, इसलिए वह इस बार फूक फूक कर हर कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उसकी ताकत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 60 सीटों को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जात और जमात दोनों की राजनीति में विश्वास करती है, इसलिए विकासशील इंसान पार्टी को जाति विशेष की पार्टी बताना उचित नहीं होगा। उनका दावा है कि उन्हें कई बड़ी राजनीतिक दलों से गठबंधन करने का न्योता मिल रहा है, लेकिन जब तक आरक्षण पर बात नहीं होगी तब तक गठबंधन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लोकसभा में भाजपा पर भड़के ललन सिंह। बीते दिन गुरुवार को JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान गुस्से में आकर BJP को खुली चुनौती देते हुए कहा गया कि अगले लोकसभा चुनाव में आपकी विदाई तय है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी, लेकिन उन्होंने खुद 70,000 करोड़ के आरोपियों को अपने साथ शामिल कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लेकिन इस सरकार ने सारे लोकलाज को ताक पर रख दिया है। यही कारण है कि अब दिल्ली पर
पर ये लोग बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने इन्हें अस्वीकार कर लिया, इसलिए बीजेपी दिल्ली में 3 सीटों पर सिमट गई और साथ ही दिल्ली निकाय चुनाव भी हार गई। बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई है, इसलिए 18 जुलाई को बेंगलुरु में इंडिया की बैठक के दिन ही एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। ईशान किशन का वीडियो हो रहा वायरल, आकाश चोपड़ा ने किया है शेयर। आकाश चोपड़ा के द्वारा बिहार के लाल ईशान किशन का एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। बता दें कि वीडियो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए 3 वनडे सीरीज के 3रे मैच का है। दरअसल इस मैच में विंडीज बल्लेबाज को स्टंप आउट नहीं दिया, जिसके बाद टीम इंडिया ने उसे रिव्यू दिया। इस पर आकाश चोपड़ा के द्वारा कमेंट्री करते हुए कहा गया कि बहुत कम होता है जब आप स्टंपिंग और रिव्यू के डिसीजन को रिव्यू करते हैं। आकाश ने आगे कहा कि मैं बल्लेबाज के पांव ग्राउंड पर देख रहा हूं। ईशान, तुम रांची से जरूर हो लेकिन तुम्हारा नाम MS धोनी नहीं है। ऐसे में शायद इस कमेंट्री को ईशान किशन ने सुन लिया और जब धोनी का नाम लिया गया तो उन्होंने कहा कि हाँ फिर ठीक है, जिसे सुनकर आकाश चोपड़ा हैरान रह गए। हालांकि इसके बाद उन्होंने कहा कि कितने प्यारे हो ईशान, हम तुमसे प्यार करते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत शासन अधिनियम 1935 को महारानी की स्वीकृति मिली। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा में 1956 को शुरू हुआ। नासा ने 2004 में एलेक्टिक्स सुपर कंप्यूटर केसी को कल्पना चावला नाम दिया। सरकार ने 2008 में भारतीय जहाजरानी निगम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध मराठा वीर सदाशिवराव भाऊ का जन्म 4 अगस्त 1730 ईस्वी को हुआ था। मेवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह का जन्म 1522 ईस्वी को हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय वकील और सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज शाह मेरवानजी मेहता का जन्म 1845 को हुआ था। अभिनेता गायक निर्देशक किशोर कुमार का जन्म 1929 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर नरेंद्र तमहाने का जन्म 1931 को हुआ था। साहित्यकार इंदु प्रकाश पांडे का जन्म 1924 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान काशी प्रसाद जायसवाल का निधन 1937 को हुआ था। उड़ीसा की महिला मुख्यमंत्री तथा लेखिका नंदिनी सतपथी का निधन 2006 को हुआ था। वेलकम, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप गाइडलाइन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप गाइडलाइन के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने चैट पर नजर रखने और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नई व्हाट्सएप गाइडलाइन जारी की है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह संदेश नकली है, सरकार ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। व्हाट्सएप को हैकर से बचाने के लिए तुरंत करें ये सेटिंग ऑन। अगर आप भी अपने व्हाट्सएप को हैकर से बचाकर रखना चाहते हैं तो आपको अपने व्हाट्सएप में कुछ सेटिंग को तुरंत ऑन करना होगा। बता दें कि व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सुविधा मिलती है। इस फीचर के साथ किसी भी नंबर को व्हाट्सएप से जोड़ने पर यूजर के लिए एक अलग पिन जनरेट होता है। ऐसे में अगर अकाउंट हैक भी हो जाता है तो बिना पिन के अकाउंट को एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सिक्योरिटी पिन केवल व्हाट्सएप यूजर के पास होती है। वहीं दूसरा प्रोफाइल प्राइवेसी सेटिंग है, जिसमें यूजर अपनी प्रोफाइल फोटो को एवरीवन की जगह माई कॉन्टैक्ट्स के लिए सेट कर सकता है। इसके अलावा अबाउट सेक्शन को भी एवरीवन के ऑप्शन से हटाया जा सकता है। प्रोफाइल प्राइवेसी सेटिंग में लास्ट सीन एंड ऑनलाइन की जानकारी भी दूसरों से छुपाई जा सकती है। वहीं अनजान ग्रुप का हिस्सा बनने से बचने के लिए यूजर प्राइवेसी सेटिंग में ग्रुप ऑप्शन पर एवरीवन की जगह माई कॉन्टैक्ट्स को सेट कर सकते हैं। लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट पर लगा बैन। बीते दिन केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की ओर से लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस नोटिस में कहा गया है कि डाक या कुरियर के माध्यम से ई कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर के इम्पोर्ट के लिए इम्पोर्ट लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी। मालूम हो कि इस फैसले से लोकल मैन्युफैक्चरर्स और ऐसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा जो देश में यूनिट लगाकर प्रोडक्शन कर लोकल सप्लाई और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस कदम के जरिए मानकों से नीचे आयात पर लगाम लगाना है। हालांकि बैगेज रूल में इसके लिए छूट दी गई है, यानी यात्री के लिए लैपटॉप ले जा सकते हैं। इसके अलावा एक ही नया लैपटॉप लेकर आ सकते हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार देश में 31 अगस्त तक लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ सामान ला सकते हैं, इसके बाद लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपा करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं।
ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7। अगला सवाल, हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 30 जुलाई, ऑप्शन बी 31 जुलाई, ऑप्शन सी 1 अगस्त, ऑप्शन डी 2 अगस्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 30 जुलाई है। अगला सवाल, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस उद्योगपति को प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ओम बिरला, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी अनिल अंबानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रतन टाटा। अगला सवाल, बिहार में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9। अगला सवाल, बिहार में पहला रेल मार्ग किन दो स्थानों के बीच था? ऑप्शन ए मुगलसराय से कोलकाता, ऑप्शन बी पटना से रांची, ऑप्शन सी दिल्ली से पटना, ऑप्शन डी दिल्ली से मुगलसराय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुगलसराय से कोलकाता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, नन्नू गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, सदुल्लाह पलवी, रोहित कुमार सिंह, राजीव कुमार, विनयराज, राजकिशोर महतो, गुनर शर्मा, पवन सिंह, लखी कुमारी, मंटू कुमार, विनोद कुमार मांझी, रणधीर कुमार, उदय कुमार पासवान, इमरान नजीर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार हमारे द्वारा चलाए जा रहे 25 खबर में और क्या सुधार करने की आवश्यकता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।